हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट डॉक्टर संतोष पांडे एक बार स्वागत करता हूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आज मैं आपके बीच आया हूं कि क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। आज इस टाइम पे जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो चुकी है, जब हिंदुस्तान से लाखों लोगों की नौकरियां, करोड़ों लोगों की नौकरियां छिन चुकी हैं, जिस टाइम पे भारत देश में दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो देश के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकता है, इस देश के लोगों को आर्थिक तंगी से बाहर निकाल सकता है, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपको इस आर्थिक तंगी से बाहर ला सकता है और आपके घर की सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। क्योंकि 99% नहीं, 100% समस्याओं का समाधान 100% पैसा ही होता है मेरे दोस्त। चाहे वो आपके परिवार से रिलेटेड समस्या हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड समस्या हो, या आपके बच्चों से रिलेटेड समस्या हो, कोई भी समस्या है, अगर उसका समाधान अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ है, उसकी जो पूंछ है, वो पैसा ही होती है। नेटवर्क मार्केटिंग करने का सबसे पहला रीजन बताता हूं, क्योंकि इस बिजनेस में कोई बड़ी लागत नहीं लगती। ये दुनिया का इकलौता ऐसा व्यापार है जहां पे कोई यूज एक्सपेंसेस नहीं करना आपको, कोई बहुत बड़ी लागत नहीं लगानी। क्योंकि जब बड़ी लागत लगती है तो आपको डर होता है कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। किसी भी व्यापार को स्टार्ट करने के पहले सबसे बड़ा जो डर होता है वो यही होता है। क्योंकि 99% नहीं, इस भारत देश के हर व्यक्ति को पता है कि व्यापार बढ़िया होता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके शहर का सबसे रईस आदमी कौन है, नौकरी करने वाला है या बिजनेस करने वाला, डेफिनेटली मेरे दोस्त आपके अंतरात्मा जवाब देगी कि नौकरी करने वाला बड़ा आदमी नहीं है, बिजनेस करने वाला ही बड़ा आदमी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप बिजनेस क्यों नहीं कर रहे, तो आपका एक ही जवाब आएगा, या तो आपके पास नॉलेज की कमी है, या तो आपके पास पैसे की कमी है, या तो आपको उस बिजनेस का पता नहीं है क्योंकि आपने बिजनेस कभी किया नहीं। लेकिन अगर स्टार्ट करने की बात करूंगा तो आप डर जाओगे क्योंकि कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, सफल हो पाऊंगा कि नहीं। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस बता दूं, चूंकि पैसे की दिक्कत होती है और आपका सबसे बड़ा डर जो है वो पैसा है, अगर मैं लगा दिया और फेल हो गया तो क्या होगा, लेकिन मैं बता दूं दुनिया का इकलौता ऐसा व्यापार है जहां पर आपकी कोई बड़ी लागत नहीं लगती, कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगती और आप बहुत ही नॉमिनल अमाउंट्स के साथ, नॉमिनल पैसों के साथ कुछ बाय करके, छोटी सी रकम के साथ, चंद 100 रुपए 200 500 700 1000, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 100 से 1000 के बीच में आपका बिजनेस शुरू हो जाता है और आप लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि आप पहले व्यक्ति नहीं होते, हिंदुस्तान में एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने इस बात को प्रूव किया है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बिना पूंजी लगा करके इस बिजनेस के अंदर उन लोगों ने अपना साम्राज्य क्रिएट किया है, पहला लॉजिक। दूसरा, आप किसी सरकारी नौकरी के अंदर हैं, आप एक सरकारी इंप्लॉई हैं, तो आपका प्रमोशन होगा नहीं होगा, कब होगा, कितना होगा, उसमें जाति, उसमें रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी बाउंड्रीज हैं। आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, आप पूरी जान लगा के, पूरी शिद्दत लगा के काम कर रहे हैं, फिर भी आपको वो रिगार्ड मिलने वाला नहीं है, वो प्रमोशन हो सकता है ना मिले। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है, ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी मेहनत के हिसाब से आपको रिगार्ड करता है, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको ग्रोथ देता है। आप जितनी मेहनत करते हैं उसका आपको फल अगले महीने या अगले हफ्ते या अगले दिन या अगले घंटे ही मिल जाता है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, आप कहीं नौकरी करने जाएंगे, कोई व्यापार करने जाएंगे, तो दुनिया का कोई भी प्रोफेशन होगा, हर प्रोफेशन की एक पर्सनल डिमांड होती है कि आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, आपके शब्दकोश अच्छे होने चाहिए, आपके पास बात करते अच्छे आना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, ये आप इस कास्ट में हो तो आपको ये फायदा मिलेगा, अगर आप इस कास्ट के नहीं हो तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। दुनिया का इकलौता ऐसा व्यापार है नेटवर्क मार्केटिंग जहां पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक ही चीज पूछता है, क्या आपके अंदर ड्रीम है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, क्या आप बड़े ड्रीम देख पाते हो। अगर आप बड़े ड्रीम देख पाने में सक्षम होते हो तो डेफिनेटली मेरे दोस्त, मैं दावा ही नहीं वादा कर सकता हूं, ये इंडस्ट्री आपके ड्रीम्स को 100% फुलफिल कर सकती है। बशर्ते ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ईगो लेस होना पड़ेगा।
आपके अंदर अगर आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर अगर घमंड है, तो बहुत सारे लोग को आप जब जाओगे इस बिजनेस को प्लान को बताने के लिए तो लोग आपको मना भी करेंगे, लोग आपको निगलेक्ट भी करेंगे, तो ईगो लेस होकर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपका अपलाइन और फ्रंटलाइन का फाउंडेशन बहुत सही होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके अपलाइन और फ्रंटलाइन मतलब जिसने आपको रिकमेंड किया और जो आपके डाउन में है, जो आपके नेटवर्क में है, जो आपका स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहा है, अगर आपके उनसे रिलेशन ऊपर नीचे रिलेशन सही नहीं रहे तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। काम करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर फाउंडेशंस अच्छी हुई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, तो डेफिनेटली आप वो कारनामा क्रिएट कर सकते हैं, वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं जो आपके पूरे खानदान में किसी ने सोचा नहीं रहा होगा। इस बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तीसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको जवाब देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक बहुत बड़ा रीजन आपको बताता हूं, ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको उम्मीद देता है, जो आपको ड्रीम देता है, जो आपको विजन देता है, जो सारी बाउंड्रीज को, सारी लिमिट्स को खत्म कर देता है और आपको यह हिम्मत देता है कि आप जो सोच सकते हो वो सब कुछ पा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बताने लगूंगा तो शायद एक दिन निकल जाएगा, लेकिन छोटी सी टॉपिक में आपको क्लियर करता हूं, ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये डिसीजन मिल जाएगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और नुकसान क्या है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, अगर आप स्टार्ट करते हो नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपका नुकसान क्या है? छोटे से व्यापार शुरू हो जाता है, कोई लागत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इंप्लॉई नहीं है, किसी को सैलरी देना नहीं है, किसी को कोई प्रेशर नहीं है, और ना ही किसी प्रकार की आपके रिस्ट्रिक्शंस है। बस दिल लगा के काम करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, चुस्त तंदुरुस्त रहिए, जिंदगी में बहुत कामयाब करिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जो बातें मैंने आपको बताई अगर इसको आप फॉलो करते हो तो ये मेरा दावा ही नहीं वादा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने से रोक दे, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑफ यू, ये लास्ट 10 ईयर्स का मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।